सुबह सुबह अगर राइस और दाल बन जाए ना तो खाना बनाने के टाइम पे बहुत आसानी बन होती है और खाना बहुत जल्दी बन जाता है। आज मैं इस तरीके से दाल को राइस के साथ ही चढ़ा दी, देखती हूँ दाल बॉईल होता है या नहीं है। और यहाँ पे मैं सारे मेरे पौधों को ना थोड़ा सा अच्छे से, उसका मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था तो उसको थोड़ा सा ना ऐसे खोद दे रही हूँ। तो ऐसे तो बहुत अच्छा सा खुरपी मिलता है लेकिन मेरे पास नहीं है तो नाइफ से ही फ़िलहाल मैं मेरा काम कर रही हूँ। और मैंने अपने छोटा सा गार्डन के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। ये ऊपर में जो आपको एक पाइप सा दिख रहा है ना, ये मैंने यहाँ पे अभी नया इंस्टॉल करवाई हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे थोड़ा सा हैंगिंग प्लांट लगा सकूँ। ये एक ना रॉड का ही मैं सेल्फ बनाई हूँ बैल्कनी में, क्योंकि क्या है ना, हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो हमारे उतना जगह मतलब नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है हमारे घर पे कि हम बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर पाए, तो एक छोटे मोटे जो विंडो और बैल्कनी का एरिया ही रहता है। और यहाँ पे आप लोगों को अगर याद है, आप लोग पुराने व्लॉग में देखे होंगे, यहाँ पे एक रॉड था, मतलब ग्रिल था, तो उस ग्रिल को मैं काट के फेंक दी हूँ। बस ये एक वन ग्रिल मैं इसे हैंग करके रखी हूँ कि कुछ काम में अगर आया तो हैंगिंग पॉट अगर मैं बाद में हैंग कर सकूँ। अभी व्यू बहुत अच्छा आ रहा है ये ग्रिल काटने के बाद, कैंडी यहाँ से मस्ती कर रही है। और आज हम लोगों का ब्रेकफास्ट एकदम सिंपल है, मोस्टली थोड़ा सा केलॉग्स और दूध और उसके साथ मैंगो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, ऐसे बहुत लोगों को एप्पल बनाना भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन मेरा तो फेवरेट है मैंगो। और अभी तो मैंगो का सीजन चल रहा है तो सुबह से मेरा मैंगो खाना मतलब स्टार्ट हो चुका है। चलो आसो कैनो, चलो की होलो, चलो आसो स्नान करो, आसो की बाबा घोड़ा रो तो दौड़ अच्छा आई चो 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 स्नान कर भी चो। দেখো না মারছে আমাকে। हाँ बिस्किट बिस्किट बेटे चल ले। ए ए ए नहीं मैं खाने तो लेना, खाने तो लेना, एक तो बिस्किट दिए दो। है चल 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 नहाने के टाइम पे कैंडी ऐसे भाग जाती है, छुप जाती है इधर उधर, फिर हम लोगों को उसको ऐसे पकड़ के नहलाना पड़ता है। और आज मैं नहा एकदम इसको मतलब नहलाना है बोल के सुबह सुबह मैं लग गई हूँ कि उसके बाद ही बाकी काम होगा। और ये मैं यहाँ पे ना फ्लावर्स उठा रही हूँ मेरे प्लांट से, सारे मेरे घर के प्लांट से ही है। और घर का पूजा अगर घर के प्लांट के फ्लावर से हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एवरीडे तो इतना फ्लावर्स नहीं मिलता है, लेकिन आज लकीली मुझे बहुत सारा फ्लावर्स मिल गया है सुबह सुबह पूजा करने के लिए। आज पूजा कंप्लीट होते होते बहुत टाइम हो गया, 11:30 बज रहा है। सो मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज सिंपल हाउस वाइफ लाइफस्टाइल। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं बहुत खुश हूँ। लाइफ में खुश रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जैसे कि मैंने बोला बहुत लेट हो चुका है, साढ़े ग्यारह भी नहीं, 11:15 बज रहा है। तो जल्दी से मैं डिनर आप लोगों को दिखा, डिनर नहीं, तो जल्दी से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि लंच आज मेरे घर पे क्या बनेगा। थोड़ा सा स्पेशल लंच बनेगा आज। तो जी यहाँ पे मैंने ढेर सारा सब्जी काट के रखा है, मैं आज सुक्तो बनाऊंगी। सुक्तो बनाने के लिए ऐसे तो सजना डाटा भी चाहिए होता है, लेकिन वो नहीं है मेरे पास। तो सब्जी में क्या है, करेला है, परवल है, बैगन है, पपाया है, बीन्स है, कैरेट है, और यहाँ पे थोड़ा सा रॉ बनाना। क्यों जे कंप्लीट, नेक्स्ट पेज करो, देखिए धोर 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 पुलाऊंगी। तो पुलाव के यहाँ पे सब्जी काट के रखी हूँ, पुलाव बनेगा। दाल देखिए सुबह में राइस के साथ दी थी तो एकदम बहुत अच्छे से बॉइल हो चुका है। तो दाल और बनेगा पनीर। तो जी चारों गैस को मैंने एक साथ ऑन कर लिया है कि जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी। सूखतो बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले सूखतो का करेला ही मैं फ्राई करने के लिए चढ़ा दी, और उधर जो मतलब जीरा और हींग और अभी अभी प्याज गया उसमें मैं दाल छौंका लगाऊंगी, और इधर मैं पनीर फ्राई कर लूँगी कि पनीर बनेगा। और इधर बन रहा है कुकर में, बन रहा है मेरा वेज पुलाव। तो वेज पुलाव में थोड़ा सा गरम मसाला डाल के सारा सब्जी एक साथ ही मैं फ्राई कर ले रही हूँ। एक ही साथ दाल वाल दाल नहीं, राइस सब्जी सब कुछ फ्राई करके और मैं कुकर में एक सीटी लगा दूंगी तो पुलाव बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे से चलोगे और आप थोड़ा सा प्लान कर लोगे पहले से आपको कैसे क्या करना है, तो आपका खाना बनने में जितना भी आप आइटम बनाओ, चार बनाओ, पाँच बनाओ, मुश्किल से 40-45 मिनट्स में आप खाना बना लोगे। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं पहले से प्लान करके रखती हूँ और मेरा इसीलिए जल्दी खाना बन जाता है। और इसी चक्कर में मैंने 4 बर्नर गैस लिया है, क्योंकि बिना 4 बर्नर का तो मेरा चल ही नहीं सकता है। तो देखिए दाल छौंका लगते लगते और उधर पनीर बनते बनते मेरा यहाँ पे कुकर का पूरा सब्जी सब कुछ हो गया है। राइस भी मैं दे दी और इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है पुलाव में। अब इसमें एक सीटी लगा दूंगी। ऐसे सूखतो बनाने से और कुछ चाहिए नहीं होता है, सिर्फ सूखतो और राइस खाने में बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाएंगे सूखतो, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा होता है ना, अभी बहुत छोटे भी है, तो उन लोगों के लिए सिर्फ पुलाव और पनीर बनाना पड़ा। सुक्तो का जो यूनिक जो फ्लेवर है ना, वो फ्लेवर आता है इस चीज से। ये शायद दिखने में आपको अजवाइन लगे, लेकिन ये अजवाइन नहीं है, इसको रांधुनी बोलते हैं। अब निकालू, ये देखिए कलर में भी थोड़ा सा अलग होता है, और बस इसका साइज थोड़ा, अजवाइन का साइज थोड़ा सा बड़ा है और रांधुनी का साइज थोड़ा सा छोटा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मेरा सूखतो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सरसों के तेल में सबसे पहले ये रांधुनी और है तेजपत्ता का फोरन, उसके बाद मैं यहाँ पे आलू, पपाया, कैरेट और बीन्स, ये सारी सब्जी को एक साथ फ्राई करूँगी। लेकिन बनाना, करेला और बैगन, ये तीन चीज़ को मैंने पहले फ्राई करके निकाल लिया है। और सूखतो में हम लोग जो ग्रेवी बनेगा, वो ग्रेवी जो बनेगा वो रांधुनी, पॉपी सीड्स एंड सरसों का पेस्ट से बनता है। तो मैं यहाँ पे मिक्सी में नहीं, हाथ से मतलब मसाला बना रही हूँ। प्रेफर करती हूँ कि हाथ का मसाला बने तो ज़्यादा वो टेस्टी बनेगा, क्योंकि सूखतो ऐसे भी बहुत ही एक रिच सा सब्जी होता है, बंगालीज बहुत पसंद करते हैं, तो उसके साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए मसाला मैं अपने हाथों से सिलबट्टे से पीस ले रही हूँ कि वो बहुत अच्छे से पीस जाए, उसमें कोई दाना ना रहे और उसका ग्रेवी एकदम मस्त बने। अब यहाँ देखिए सारा सब्जी थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, तो मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा अदरक पेस्ट, और क्योंकि बच्चे नहीं खा रहे हैं तो थोड़ा सा चिली पेस्ट ऐड की हूँ। फिर बहुत अच्छे से सारे सब्जी को एक एक करके मिक्स करके पूरा मसाला को बहुत अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। अभी भी मैंने बैगन, करेला और बड़ी, ये तीन चीज़ लेकिन ऐड नहीं किया है। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, इसमें मसाले के नाम से बस ये सरसों, पॉपी सीड्स और रांधुनी का पेस्ट ही जा रहा है, और कोई भी मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करने वाली हूँ। बस यही मसाला है,
इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी अपने हिसाब से ऐड कीजिए कितना आपको ग्रेवी चाहिए। मुझे ग्रेवी बहुत अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा पानी डाली हूँ। और अब इसको ढक के थोड़ा सा सब्जी को बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। अब ये पकने में बहुत टाइम लगेगा तो मैं ये पुलाव देख लेती हूँ कैसा बना है। पुलाव देखिए एकदम बहुत अच्छा बना है। बंगाली में हम लोग इसको बोलते हैं झौझौरे, मतलब स्टिकी स्टिकी नहीं बना है। हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ खिले खिले, चावल बहुत खिले खिले है, शायद बच्चों को पसंद आ जाएगा। और इसको आज मैंने सुबह सुबह फोर्सफुली नहला अच्छा, दिया है ना तो गुस्सा दिखा रही है मुझे। দেখো না কলা খাবো, হ্যাঁ না না খাও খাও কেন আছো কেল ये भी बहुत नौटंकी सीख गई है। ये मैं आज ऑर्डर की थी, एक रिसीव की मैं आज ही, ये कुछ इस तरीके का है जो उनसे ऑर्डर किया है। यहाँ पे कुछ आप सोपीस रख सकते हो, मुझे तो अच्छा लग रहा है लेकिन मुकुल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है कि इसको रिटर्न कर दो। अपना जो स्पेस है ना ये बहुत फांका फांका लगता है तो मैं सोची थी इसको वहाँ पे हैंग कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा छोटे मोटे कुछ सोपीस रख दूंगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन अभी मुकुल राजी नहीं है तो उसको थोड़ा सा पहले मनाना होगा। आज मैंने कुकर कढ़ाई कुछ खाली नहीं की क्योंकि खाना बनाते बनाते इतना लेट हो चुका है और एकदम गर्म है। राई बड़ी हो गई है लेकिन रिशु अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, अभी तक वो खुद से खाना नहीं खा पाता है। कब से मैं बुला रही हूँ लेकिन अभी तक नहीं आया, खाना ऐसे कैसा पड़ा हुआ है। मम्मा स्लोली स्लोली खाओ, क्या मन हो इसे मम्मा को जोर से बोलो बालो। अरे बारे बारे ওটাতে কেন হাত দে না আমি তো নিব। আচ্ছা নিবি, তুই গাড়ি রাখবি, সব যা বাড়িতে আসবে সবেতে তোর গাড়ি। আমি খাইয়ে দেব না নিজে খাবি? হ্যাঁ তো বস তাই তো ভাত দেব বলো। ফ্যান না, ফ্যান অন করি, ফ্যান অন করি, সরি। রিসু আজ বাবু সাহেব হয়ে গেছে। ये मेरा डिलीशियस सुक्तो रेडी। मैं अभी थोड़ा अपने लिए निकाली, पहले मैं खा लूँ टेस्ट तो करूँ कैसा हुआ है। मुझे सुक्तो बहुत पसंद है बहुत, लेकिन बहुत ही कम बनाना होता है क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, मुकुल को भी उतना खास पसंद नहीं है इसीलिए नहीं होता है। तो ठीक है, थोड़ी देर में फिर बात करते हैं। बहुत मन लगा के सुक्तो बनाई थी कि आराम से राइस के साथ दो तीन कटोरी मैं सुक्तो खाऊंगी, लेकिन जैसे ही खाना लेके बैठी वैसे ही करंट का प्रॉब्लम हुआ, लोड शेडिंग हो गया। और आप देख सकते हो अभी भी मेरे घर का फैन ऑफ है, करंट नहीं आया है। दोपहर निकल के अभी शाम के 5 बज चुका है, इवनिंग हो चुका है लेकिन करंट का कुछ आता पता नहीं है, पता नहीं कब आएगा। मैं तो ड्रेस भी चेंज कर ली कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, तो इसके बाद अंधेरे में मैं क्या ब्लॉगिंग करूंगी। तो मैं आप लोगों को करती हूँ अभी बाय बाय, कल मिलते हैं सीधा।